close till I get up. Time is barely on our side. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. And if you are new to this channel, so guys, please go to the red button below and subscribe to my channel. So आज की वीडियो आपने आई थिंक गेस कर ली होगी थंबनेल से. तो आज मैं करने वाली हूँ अपने कॉलेज का टूर. सो मैं मोस्टली सारे एरियाज को कवर करने वाली हूँ अपने कॉलेज के एंड आपको बताने वाली हूँ. एंड ये वीडियो उन लोगों को बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो कि दून यूनिवर्सिटी में इन फ्यूचर एडमिशन लेने की सोच रहे हैं. सो गाइस, वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना. सो विदाउट एनी फर्दर मोर बकवास, स्टार्ट करते हैं. मैं आपको डायरेक्टली कॉलेज में. सो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं अपने कॉलेज जो कि है दून यूनिवर्सिटी. सो बाहर का जो आपको एंट्रेंस है वो कुछ इस तरह से मिलेगा एंड यहाँ पे आपको पूरी सिक्योरिटी वगैरह मिलने वाली है. एंड देन आपको अंदर जाते ही हमारे कॉलेज में ब्यूटीफुल सा ये एनवायरनमेंट दिखने वाला है. हमारे कॉलेज में पूरी ग्रीनरी ही ग्रीनरी है. एंड यहाँ पे अगर आपको फोटोशूट्स वगैरह करवाने हैं तो ये बेस्ट एरिया है आई थिंक. एंड यहाँ पे दून यूनिवर्सिटी ऐसे ग्रास से कटिंग करके लिखा गया है. एंड ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये हमारा ऑडिटोरियम है. मीन्स यहाँ पे जो भी ऑफिशियल फंक्शंस होते हैं तो यहाँ पे सारे परफॉर्म होते हैं. जो ये लेफ्ट साइड वाली जो रोड है इसको मैं लास्ट में भी कवर करूँगी. सो पहले चलते हैं आगे जो हमारा मेन वे है. ये मैंने आपको जैसे बताया था ये हमारा नित्यानंद हॉल है, मीन्स ऑडिटोरियम. एंड इसके जस्ट अपोजिट आपको टीला मिलने वाला है. यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ विंटर्स वगैरह में बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. देन इसके आगे से आपको यहाँ पे हमारा पार्किंग एरिया मिल जाएगा. मीन स्टूडेंट्स का यहाँ पे पार्किंग एरिया है. यहाँ पे अपनी गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं. एंड जो ये बिल्डिंग है आपको यहाँ पे डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ कोर्स मिल जाएंगे. इस बिल्डिंग में आपको मिल जाएगा टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन, इन्वायरमेंट एंड ऑफकोर्स यूनिवर्सिटी का जो लाइब्रेरी है वो भी आपको यहीं मिलेगा. एंड मैं आपको अंदर छोटा सा टूर दे देती हूँ. एंड जो भी अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, जो भी दून यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ये वीडियो हेल्पफुल लगने वाली है. सो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना. तो आपको यहाँ पे तीन फ्लोर मिलने वाले हैं. सबसे नीचे आपको मिलने वाला लाइब्रेरी एंड मास कॉम का एरिया. एंड यहाँ पे आप बैग वगैरह रख सकते हैं क्योंकि बैग वगैरह अंदर ले जाना अलाउड नहीं है. सो यहाँ पे पहले आपको एंट्री करनी पड़ती है. एंड आपको यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज की सारी बुक्स मिल जाएंगी. एंड यहाँ पे मेरी फ्रेंड आपको बता रही थी जो भी शॉर्ट हाइडेड पर्सनस होते हैं वो इस स्टूल की हेल्प से बुक वगैरह यहाँ से ले सकते हैं. एंड ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है सबको. एंड यहाँ पे आपको सेल्फ इशू का भी ऑप्शन मिलने वाला है. एंड यहाँ पे आपको लाइन में लगने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है. देन सेकंड फ्लोर में जाती है आपको मिलने वाला है ये SOD मीन्स स्कूल ऑफ डिज़ाइन. सो जो भी आप यहाँ पे क्रिएटिविटी देख रहे हो सारी स्कूल ऑफ डिज़ाइन के बच्चों ने ही की है. एंड यहाँ पे लिखा है क्रिएटिविटी बिगिंस हियर. देन यहाँ से आगे जाते ही आपको मिलने वाली है फैकल्टी पार्किंग. एंड इसके जस्ट आगे आपको मिल जाएगा गर्ल्स हॉस्टल. ये है गर्ल्स हॉस्टल. एंड मैं आप सभी के लिए गर्ल्स हॉस्टल एंड बॉयज़ हॉस्टल को भी कवर किया है. सो वीडियो को लास्ट तक देखना. एंड यहाँ पे टर्न लेते ही राइट साइड में है गेस्ट हाउस जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ. एंड ये है यहाँ पे आपको मिलने वाला है न्यू गर्ल्स हॉस्टल. एंड जस्ट इसके अपोजिट है गेस्ट हाउस. एंड जो भी हॉस्टलर्स के पेरेंट्स वगैरह आते हैं वो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं. आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी. एंड इसके साइड से आपको मिल जाएगा ये बास्केटबॉल, फुटबॉल एंड क्रिकेट ग्राउंड. एंड यहाँ पे टूर्नामेंट्स वगैरह भी होते हैं. सो हमने राइट साइड तो कवर कर ही लिया है. अब चलते हैं लेफ्ट साइड में. एंड ये जो ग्राउंड दिख रहा है ये वही ग्राउंड है जो मैंने आपको अभी दिखाया है. एंड यहाँ पे आप आगे जाते ही आपको मिलने वाला है हमारा प्यारा सा कैंटीन, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी. एंड जो ये बिल्डिंग है वो ये स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की बिल्डिंग. एंड ये पार्किंग एरिया भी उन्हीं का है. सो ये है हमारे कैंटीन का सिटिंग एरिया आगे का. एंड अंदर जाते ही आपको यहाँ पे छोटा सा प्यारा सा हमारा कैंटीन दिखने वाला है. यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी. एंड पीछे भी आप बैठ सकते हैं इफ़ यू वांट. अब
हम कवर करेंगे कैंटीन के आगे वाले एरिया को। यहाँ पे है हमारा मेन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग एंड ये है यहाँ की पार्किंग एरिया। आई मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में आपको जो भी इश्यूज होते हैं, मीन्स फीस से रिलेटेड आपको इश्यूज हैं, एडमिशन से रिलेटेड आपको कुछ काम है, सो सारे यहाँ पे होने वाले हैं एंड आपको आपके सारे HODs वगैरह मिलने वाले हैं। ये है आप हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस एंड जस्ट इसके अपोजिट आपको मिल जाएगा ये बॉयज़ हॉस्टल। बॉयज़ हॉस्टल को भी मैंने कवर किया तो वीडियो में, प्लीज़ लास्ट तक बने रहना। और अब हम आ गए हैं कॉलेज के हिडन प्लेस में। ये बॉयज़ हॉस्टल के आगे पे ही है, ये है हरी भाई की टपरी एंड यहाँ पे आपको बहुत ही लिमिटेड फूड मिलने वाला है, बट ये काफ़ी टेस्टी बनाते हैं एंड यहाँ पे आप हरी भाई का मेन्यू देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर किए थे समोसे जो कि फ्रेश फ्रेश एंड गरम गरम बन रहे थे उस टाइम पे। वो हो रहा है बन समोसे तैयार। अब हम लेके जाएंगे अपने दोस्तों के लिए समोसा। ये है कितनी ओवर लीजिए, देखो उन्होंने तो पे किया था तो हम खड़े हैं। सो दिस इज़ द वे जो मैंने आपको बोला था कि मैं वीडियो के लास्ट में कवर करूँगी। सो अब हम चलते हैं गर्ल्स हॉस्टल की तरफ। तो ये है गर्ल्स हॉस्टल का एंट्रेंस, आपको जाते ही मेस मिलने वाला है, सॉरी। सो मैं आपको छोटा सा टूर दे देती हूँ गर्ल्स हॉस्टल का भी। सो अंदर का जो व्यू है कुछ इस तरह से, आई थिंक मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरत है। सो दिस इज़ द रूम जो कि गर्ल्स हॉस्टल में प्रोवाइडेड होता है हॉस्टलर्स को। आपको यहाँ पे सिंगल बेड एंड अलमीरा प्रोवाइडेड रहती है एंड आई थिंक स्टडी टेबल भी आपको मिलने वाली है। एंड अब चलते हैं बॉयज़ हॉस्टल की तरफ। ये है बॉयज़ हॉस्टल एंड एंट्रेंस कुछ इस तरह से है। एंड बाहर का व्यू आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया था हमारे कॉलेज में पूरी ग्रीनरी है एंड बॉयज़ हॉस्टल भी सेम गर्ल्स हॉस्टल की तरह ही है। आपको वहाँ पे सिंगल बेड, अलमीरा एंड स्टडी टेबल प्रोवाइडेड है। सो दिस इज़ द मेस एरिया जहाँ पे सारे हॉस्टलर्स बैठ के एक साथ इंजॉय करके खाते हैं एंड यहाँ पे आगे जाके आपको जिम एरिया भी दिखने वाला है। सो दिस इज़ द जिम एरिया ऑफ बॉयज़ हॉस्टल। गर्ल्स हॉस्टल का मैं कवर नहीं कर पाई क्योंकि वो उस टाइम बंद था एंड ये मेरा क्लासमेट है जिसने मुझे हेल्प करी है वीडियो शूट करने में, क्योंकि ऑफकोर्स गर्ल्स को अलाउड नहीं होता है अंदर जाना। सो ये लास्ट में ये टेरिस है बॉयज़ हॉस्टल का। एंड सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो एंड अगर थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगी हो ये वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बाय बाय।